हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम देखा कौन ना मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड रो किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो या पूर्व ऑलरेडी आमर माइक्रो माक्रो एंड कौन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर सारी। जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट जाइए देखिपार आ जो मैंने चैनल को नुआ आस सब्सक्राइब कर दियो दे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड हे देखिपार। तो डेली वीडियो अपलोड हो तो समस्ते आराम से तार बेनिफिट नहीं पारे। तो चलतु स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छे इंडियन बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन द ईयर डेज। तो इंडियन बैंक केबे नेशनलाइज होता 1949, 69, 59 ना 79। तो इंडियन बैंक नेशनलाइज होता आम जाणीचे कौन ना कौ ईयर ना से राइट ऑप्शन 1969। इंडियन बैंकटा नेशनलाइज होता। तो कतेटा बैंक नेशनलाइज होता ना 14 बैंक्स 14 बैंक से इनक्लूड थी। तो 14 बैंक से नेशनलाइज होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा सेकंड क्वेश्चन कौन बैंकर्स आर नॉट ओनली परवेयर्स ऑफ मनी बट ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंस दैट आर डेस कंज्यूमर्स मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरर्स लेंडर्स ना बोरोअर्स। तो बैंकर्स आर नॉट ओनली परवेयर्स परवेयर्स माने हमें कोई परवा सप्लायर जे सप्लाई करे। तो बैंकर्स आर नॉट ओनली सप्लायर्स ऑफ मनी बट ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंस दे आर आउ कौन से माने खाली मनी आमर दरकार है आमको सप्लाई करते ना ता सहित आउ कौन करती से माने जड़े जड़े बैंकर्स माने से माने कंज्यूमर ना मैन्युफैक्चरर्स ना लेंडर ना बोरोअर्स। तो लेंडिंग बोरोइंग तो काम किंतु ता द्वारा से माने कौन करचोंदी निजर बेनिफिट करचोंदी। तो सेटा को कहजिबो कौन ना से माने मैन्युफैक्चरर्स आम कही परबा। तो मैन्युफैक्चरर्स कौन करे ना न्यू प्रोडक्ट माने लॉन्च करे। तो तार उद्देश्य कौन जड़े इंडस्ट्री करिवो तार उद्देश्य कौन ना प्रॉफिट प्रॉफिट आर्न करवा। तो बैंक रो भी मेन लक्ष्यटा कौन सी तो तुमको हेल्प करुच्छे ठीक अच्छे आमको सी लोन दौर कि आम टाँचा डिपोजिट रखे आमको इंटरेस्ट मिलूँ ठीक अच्छे किंतु ता सहित सी से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस रे तार लाभ उठाऊ माने बेनिफिट से पाँच। तो ए गोटे जन पाखु नौ आउ जन पाखु दौर तो सी जो मिडिले जो टाँटा को से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस रे लगोच ताद्वारा तार बेनिफिट हो तो आम कहींपर से जड़े मैन्युफैक्चरर्स। तो राइट ऑप्शन है जो 2 नंबर रो बी। नेक्स्ट 3 नंबर को आसवा 3 नंबर को हूँ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक्स आर डेस एंड डेस। तो कमर्शियल बैंक्स रो प्राइमरी फंक्शन कौन हाउसिंग ऑनरिंग चेक्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इश्यूइंग चेक्स इश्यू डिमांड ड्राफ्ट। तो कमर्शियल बैंक्स रो मेन काम जदि देखिबा से कौन करिवो ना कौन करिवो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स से जीव तार राइट ऑप्शन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करिवो एंड लेंड करिवो माने कौन लोन रे दबो डिपॉजिट एक्सेप्ट करिवो आम पाखरु टंका डिपॉजिट रखिवो एवं सेही टंका रे से जहार दरकार से मानको से लेंडिंग करिवो दबो धार दबो। तो सेही दुटा तांकर मुख्य काम आउरी सारे कमर्शियल बैंकिंग्स रो फंक्शन आम पढ़ीजे सेंट्रल बैंक रो फंक्शंस अछि तो बहुत सारे तो अछि किंतु मेन ए दुटा काम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। तापर 4 नंबर क्वेश्चन को आसवा द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो इंडिया रे वर्तमान टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 14, 12, 28 ना 22 जदि एबे आमे राइट ऑप्शन को जीवा सेटा केते हि जीवो ने 12 हि जीवो राइट ऑप्शन एबे 12टा पब्लिक सेक्टर बैंक्स अछंती। तो जो बैंक्स केते माने प्राइवेट सेक्टर अछि पब्लिक सेक्टर अछि तो डिफरेंट टाइप रो बैंक अछि। तो से 12टा बैंक कोन कोन ताकु मन रखिवो तार माने के को ईयर रे एस्टेब्लिश हेतिला मन रखिवो आउ तार हेड क्वार्टर से गुडा भी मन रखिवो कैना से सब प्रायतः एग्जाम रे आसे। तो चालन तो देखिवा से विषय रे बैंकिंग विषय रे टिके डिटेल्स रे इन्फॉर्मेशन नबा। तो ये टाइप्स ऑफ बैंक्स जदि आम देखा जे इंडियन बैंक्स आर कैटेगराइज इनटू 4 मेजर टाइप्स चारिटा मेन कैटेगरीज भितर डिवाइड कराई फास्ट रे कमर्शियल बैंक्स परे तापर आसीबो कौन ना आमर जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स पेमेंट्स बैंक्स आउ कोऑपरेटिव बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक्स भितर ये सब आसुच्छे माने तार कैटेगरीज आसीबो कौन कौन कमर्शियल बैंक्स भितर रहउछंती ना फास्ट आसुच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक्स
तापरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तापरे रीजनल रूरल बैंक्स आउ फॉरेन बैंक्स तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स माने कौन जोटा गवर्नमेंट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रे थिबो द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द स्टॉक लाइक पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अदर इंस्टीट्यूशंस आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आम देखा डिटेल्स केतरा 12टा जो अच्छे डिस्कस करिबा पब्लिक सेक्टर तापरे प्राइवेट सेक्टर बैंक तो एटा होची गवर्नमेंट अंडर रे रहूची एगुडी को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन द मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक ताले प्राइवेट बैंक्स इनक्लूड बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी अच्छी जमीती कि HDFC बैंक ICICI बैंक एक्सिस बैंक ये भाया प्राइवेट बैंक रहा आउ रीजनल रूराल बैंक्स किसी रही आउ किसी रही फॉरेन बैंक्स जमीती आम रीजनल रूराल बैंक्स आम कहीपर तार एपिक्स हूँ नाबार्ड तो सी कंट्रोल कर सब रीजन रे तार रूराल बैंकिंग सिस्टम रीजनल रूराल बैंक्स गुड़िक रोच फॉरेन बैंक्स भी किसी रोचे जमीती कि मानने फॉरेन बैंक्स आर दोज विथ देयर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया मानने फॉरेन बैंक्स गुड़िकर आम कह इंडिया रे फॉरेन बैंक्स क्या कह जो हेडक्वार्टरटा बाहर थी इंडिया बाहर थी कि इंडिया बैंकटा थी तार हेडक्वार्टर इंडिया बाहर थी आम फॉरेन बैंक कह जमीक स्टैंडर्ड कैटराट अमेरिकन एक्सप्रेस सिटी बैंक ये सब हूँ फॉरेन बैंक रो एग्जांपल तापरे सेकंड तापरे हमें कह स्मॉल फाइनेंस बैंक्स किसी अच्छा पेमेंट्स बैंक्स अच्छा कोऑपरेटिव बैंक्स अच्छा तो ये सब डिफरेंट कैटेगरीज रो बैंक्स अच्छा तो आम एबे डिस्कस कर दो लिस्ट ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया इंडिया जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा से सब कुछ डिटेल्स डिस्कस करवा तो ये देख अच्छी आमर कौन बैंक ऑफ बड़ौदा जोटा कि एस्टाब्लीश होता 1908 तार हेडक्वार्टर्स अच्छी गुजरात रे तो ये सब मन रख खाली मुझे तो डिटेल्स मन रखिपर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा युड़क हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आम यहाँ पढ़ुचे कौन ना फास्टा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स किए किए बैंक ऑफ बड़ौदा आसला बैंक ऑफ इंडिया 1906 एस्टाब्लीश मुंबई महाराष्ट्र तार हेडक्वार्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जोटा कि 1935 है कानाडा बैंक 1906 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 यूको बैंक 1943 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 पंजाब नेशनल बैंक 1894 इंडियन बैंक 1907 तो यही आम यो यहाँ केतटा ना 12टा टोटल बैंक रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स आउ प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सारा बैंक्स रो नेम अच्छे एक्सिस बैंक बंधन बैंक CSB सिटी यूनियन DCB बैंक धनलक्ष्मी फेडरल बैंक HDFC बैंक ICICI बैंक तो यह बहुत सारा बैंक्स अच्छी लिस्टे तो युड़क हूँ कौन ना ये समस्ते प्राइवेट बैंक तो आमको दरकार कौन आमको दरकार जे पब्लिक सेक्टर बैंक्सटा प्रायत एग्जाम आसे तो प्राइवेट सेक्टर रे एत आसवनी केवल केवल तार गोटे गोटे क्वेश्चन तार हेडक्वार्टर कि केबे एस्टाब्लीश होता से गुड़िक टे मन रखिद आउ किसी ना तो आम डिस्कस करदे युड़क तो ये सब इयर गुड़िक मन रखिद भलसे तापर नेक्स्ट आम जा तेल एटी द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स केतटा अच्छे इंडिया रे 12टा अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स इज रजिस्टर एज डेस तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्सटा से कौ टाइप रजिस्ट्रेशन होती ट्रस्टी एज ए ट्रस्टी ना एज एज एसोसिएशन ना जॉइंट स्टॉक कंपनी ना कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स रजिस्टर होती कौ भाव ना जॉइंट स्टॉक कंपनी भाव से रजिस्टर होती तो यार जो राइट ऑप्शन देखिबा 5 नंबर सी हो राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 6 नंबर द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक इज तो यहाँ गोटे प्राइवेट बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक तार हेडक्वार्टर तो यहाँ किसी क्वेश्चन हेडक्वार्टर आसपे तो 6 नंबर राइट ऑप्शन हो मुंबई प्रायत तो बेसी बहुत सारा बैंक हेडक्वार्टर मुंबई रे ही अच्छे तो मुंबई हो राइट आंसर नेशनल हाउसिंग बैंक नेक्स्ट 7 नंबर रे द हेडक्वार्टर ऑफ अलाहाबाद बैंक अलाहाबाद बैंक रो हेडक्वार्टर अलाहाबाद मुंबई कलकत्ता दिल्ली तो 7 नंबर रो राइट ऑप्शन रा कौन हबो ना कलकत्ता रे अलाहाबाद बैंक रो हेडक्वार्टर कलकत्ता रे अछि अलाहाबाद बोली तार हेडक्वार्टर अलाहाबाद मारिबनी तो अलाहाबाद बैंक अछि किंतु हेडक्वार्टर टा कलकत्ता रे रहिछ तापरे नेक्स्ट होची 8 नंबर क्वेश्चन द
टेलर सिस्टम हेज बीन इंट्रोड्यूस बाय बैंक्स टू डेस्क। कौन पे टेलर सिस्टमटा इंट्रोड्यूस होता बैंकिंग बैंक्स रे। कैनवास मोर कस्टमर्स मेक क्विक पेमेंट ऑफ चेक क्लारीफाई इनक्वायरीज एडवाइस कस्टमर्स। त राइट ऑप्शन कौन हम ये जो टेलर सिस्टमटा बैंकिंग रे डेवलप है कौन पे ना कामटा को जल्दी हेब एबे जो देखिबो आम जो धर बैंक को जाऊचे तो बैंक को गले से माने जे टंका डिपॉजिट करूचे माने रिसीव करूचे आम पाखु से माने समस्ते कौन एबे प्राय तो डिजिटलाइज हो गला ना कंप्यूटर से माने फीडिंग करचोंदी आमर अकाउंट नंबर मारदेले आमर डिटेल्स आसी गला सेतरे केते टंका अछि कौन अछि केते विथड्रॉ होउचि केते फिक्स डिपॉजिट अछि से माने सब देखी परचोंदी। तो से जो टेलर सिस्टमटा कौन माने कस्टमर आउ जे तांगरो एम्प्लॉई मझीरे जो गोटे मीडियम रहिबो जहाँ द्वारा माने कंप्यूटर कही पारे आम जहाँ माध्यम से माने इजिली कामटा को करि परिबे। तो सेटा फर्स्ट टाइम जेतो डेवलप हेतिले सेटा कोन पई हेतिले त मेक क्विक पेमेंट ऑफ चेक चेक रो क्विक पेमेंट पई आमर टेलर सिस्टमटा डेवलप करा जाइतिले जे चेकटा आसिले ताको केमती क्विकली तार डिटेल्स इनफॉरमेशन को देखिकि आमे तार जो चेक को पेमेंट करि परिबा। तो बैंकिंग सिस्टम रे चेक रो पेमेंट एबे जो ए जो एटीएम मशीन आसिला कौन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एबे ऑटोमेटेड हो गला नि सब माने आमे माने से सब आगरु कौन बैंक को जाई के करथुले एबे ऑटोमेटेड माने मशीन ले से सब काम हो जाउछ। तो सेटा सेठो ही डेवलप हो तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन बा एटीएम मशीन रे से प्रथमे टेलर सिस्टमटा बैंकिंग ने स्टार्ट हेतिला टू मेक माने क्विक पेमेंट ऑफ चेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो जी अच्छा को जी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ऑफ ए बैंक इज डेस। तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस जो कॉल मनी हमें कहा जाए तो सेटा कौन सिक्योर्ड एडवांस ना बैंकर सेकेंड लाइन ऑफ एडवांस ना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लोन्स ना ऑल ऑफ द अबव। तो जो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ऑफ ए बैंक तो सेटा को हमें कौन कहिबा माने शॉर्ट नोटिस रे किबा मनी एट कॉल जोटा हमें माने जते शीघ्र हमें मनीटा को पाई जाई परबा तो कॉल मनी ताको कहा जाए। तो सेटा को आउ कौन कहा जाए ना सेटा को आउ कहा जाए जे बैंकर्स सेकेंड लाइन ऑफ एडवांस भी ताको कहा जाए जो कॉल मनी आउ शॉर्ट नोटिस रे हमें जो मनीटा पाइबा तो सेटा को बैंकर्स सेकेंड लाइन ऑफ एडवांस बोली कहा जाए। तो 9 नंबर राइट ऑप्शन है जो बी। तापर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द टर्म्स ड्रॉयर ड्रॉई एंड पे आर एसोसिएटेड विथ ड्रॉयर ड्रॉई एंड पे। तो कहा सहित एसोसिएटेड चेक्स प्रोमिसरी नोट्स डेलीवरी ऑर्डर हुंडीज। तो राइट ऑप्शन कौन हम ये तीनटा जाक कहा सहित जड़ित अच्छा ना ये तीनटा जाक जड़ित अच्छा चेक सहित आमर जो जड़े चेक नहींक जीव तो चेक रे जनक ना लिखाही थी माने चेक रो ओनर जड़े थी जहाँ अकाउंट थी अकाउंट होल्डर जहाँ सीतापुर सी जहाँ को दबापी जाऊर टू टू रे जहाँ को लिखाही थी तो से लोक पाखक टंका जीव आउ मझे किए मिडिल मैन रहा जी माने बैंक रहा। तो ये आम कहीपर ये जो 10 नंबर तीनटे ड्रयर माने किए ना हु इश्यू द चेक एंड होल्ड्स द बैंक अकाउंट जहाँ बैंक अकाउंट अच्छे आउ जी चेक चेक्र जी रियल ओनर से ही कहा ड्रयर माने जी रियल ओनर जी से हूँ ड्रयर से ड्र करना। तापरे ड्रॉई माने किए ना ड्रॉई व्हिच इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आम कही पार बैंक हूँ ड्रॉई ऑनर हूँ ड्रॉयर आउ बैंक हूँ ड्रॉई एंड पे माने जहाँ को दिजिव माने से टाटा से जो चेक रे लिखी जो जी पाइब टाटा कहे पे माने कौन हु इज द पर्सन हुज नेम एपियर्स ऑन द चेक एंड विल रिसीव द फंड। तो पे जी रिसीव कर फंडटा रिसीव कर सी दब जी सी ड्रयर पाइब जी पे आ मझे जी रहा सी हूँ ड्रई माने बैंक। तो बैंक मध्यम ड्र हम ना टाटा तो ताको ड्रई कह। तो ये तीन टा जाक सिस्टम क्या सहित जड़ित ना चेक सहित जड़ित तो 10 नंबर राइट ऑप्शन हो ए। तापर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन को आसवा 11 क्वेश्चन रे व्हेयर द आरबीआई हेज नो ब्रांच द बैंक व्हिच कैन एक्ट एज इट्स एजेंट इज डेस एनी कमर्सील बैंक एनी नेशनलाइज बैंक एसबीआई इंडियन बैंक। तो हर द आरबीआई इज नो ब्रांच आम जानचे कौन आरबीआई हूँ एपिक्स बैंक
सबुठ टॉप मोस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो तार तो कौन कौ जगह ब्रांच नहीं ना, किंतु द बैंक व्हिच कैन एक्ट एज इट्स एजेंट, से जो आरबीआई रो एजेंट हिसाब से कौ बैंकटा काम करे, तो सही आरबीआई रो एजेंट हिसाब से आम जानते से किए हो एसबीआई। आरबीआई तो सब जगह ना, कि एसबीआईटा तुम सब जगह पाइब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सी कौन करे ना एसबीआई गोटे एजेंट हिसाब से काम करे, कहार ना आरबीआई रो गोटे एजेंट हिसाब से काम कर किए ना एसबीआई। एसबीआई होछि आरबीआई रो एजेंट, माने आरबीआई जो काम कर पारनु एसबीआई सब स्टेट रे रहिकि सब माने सब एरिया रे रहिकि से तार काम को करे दे पारिबो, तो सेटा हे जो राइट ऑप्शन 11 नंबर सी हे जीवो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 12 नंबर को आसीबा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड डिमांड ड्राफ्ट, डीडी होछि डिमांड ड्राफ्ट और चेक्स, जदि आम डिमांड ड्राफ्ट किंबा चेक्स इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ, माने से पचारसी आमर जो डीडी किंबा आमर चेक्स टा केते दिन पर्यंत मैक्सिमम माने केते दिन पर्यंत वैलिड रहिबो, माने सेतिक दिन पारी गला परे तार वैलिडिटी सरी जीवो। माने सपोज तुमको जने चेक देइछंती तुमर कंपनी रो ओनर जे से तुमको चेक देले जे तुम तुमको आमे कैश दोने चेक दे दोछे, तुम बैंक रे जाई कि सेटा को इश्यू कराई नब, मैंने चेकटा देने तुमको पैसा देवे। तुम्हें जदि से चेकटा आणिक घरे रखिदेल तीन मस पर गले से चेकटा देखा बाउंस हो मैंने तार वैलिडिटी नष्ट हो जाइए, से तीन मस पर तुम टाँचा पाइबना, तो राइट ऑप्शन ये के 3 मंथ हो राइट ऑप्शन। मैंने 12 नंबर जदि आम देखा तो गोटे चेक कि गोटे डिमांड ड्राफ्टर वैलिडिटी केते ना 3 मंथ थाए। आम डिमांड ड्राफ्ट कौटी यूज करचे आम एबे जो धर कौन एजुकेशनल इंस्टिट्यूट रे आम फॉर्म सब फिलअप करचे किंबा एडमिशन टाइम रे, तो से टाइम रे बहुत जगह डीडी मागुचे माने डिमांड ड्राफ्ट मागुचे, आम कैश न देकी बैंक रे डिमांड ड्राफ्ट करके इंस्टिट्यूट को सेंड करचे पैसा, तो सेटा केते दिन पर्यंत वैलिड रहइबो 3 मास पर्यंत। 3 मास भितर से माने जदि से पैसाटा को रिसीव करू नांती माने टंका उठो नांती ताले सेटा इनवैलिड हे जइबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 13 नंबर आरबीआई वाज नेशनलाइज इन द ईयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टा केबे नेशनलाइज हैला, तो एटा बहुत इजी क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हिचे आमे जानिचे केबे ना 1949 रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हिचे 1949 रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रॉई ऑफ ए चेक इज ऑलवेज डैश, ड्रॉई जे से किए कस्टमर माइनर कंपनी ना बैंक, मुझे जस्ट या पूर्व क्वेश्चन टा डिस्कस करके आसली, तो राइट ऑप्शन किए हम माने ड्रॉयर माने किए जे ओनर आउ पे माने जे पैसा पाइब आउ ड्रॉई माने किए मझे जी अच्छे मझे किए अच्छे बैंक अच्छे बैंक माध्यम आम कौन टाटा को सी पाइब ना, तो ड्रॉई किए ना ड्रॉई हूँ सब बैंक ही ड्रॉई हम, तो राइट ऑप्शन है जो डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड एज डैश, सोल प्रोप्राइटरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक, तो कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड एज डैश, तो कमर्शियल बैंक्स गुड़िक केमती ऑर्गेनाइज होता, तो जब 15 नंबर राइट ऑप्शन देखा तो 15 नंबर बी हो राइट ऑप्शन, माने जॉइंट स्टॉक कंपनी हिसाब से सब कमर्शियल बैंक्स गुड़िक ऑर्गेनाइज होती, तो राइट ऑप्शन हो जॉइंट स्टॉक कंपनी। 16 नंबर क्वेश्चन को आसवा इन इंडिया डैश बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969, तो 1969 रे जो नेशनलाइज्ड होता केतटा बैंक नेशनलाइज होता पचार, पूर्व डिस्कस करके आसे केतटा बैंक ना 14 बैंक फास्ट क्वेश्चन नहीं था, तो 1969 रे जो नेशनलाइजेशन होता से 14 बैंक को नेशनलाइज कराई था, तापर एबे अच्छा 12 बैंक कहीं मर्ज हो जाए आउ 2 बैंक, तो एबे टोटल 12 बैंक ही नेशनलाइज माने आमर पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर रे रहउछन्ती। तापर 16 पर 17 क्वेश्चन को जीवा, 17 क्वेश्चन होची सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स 6 बैंक्स वाज इन द ईयर, आमर फास्ट नेशनलाइजेशन 1969 रे हला, तापर सेकेंड नेशनलाइजेशन पुणी केबे हला से पचार,
1979 ना 1884 ना 76 माने फास्ट रे 14टा बैंक को नेशनलाइज करा हितला तापर सेकंड फेज रे आउ 6टा बैंक को नेशनलाइज करा हिच तो से जो 6टा बैंक नेशनलाइज हितला सेटा इयर टा केबे बोली पचाय से तो 17 नंबर राइट ऑप्शन टा केबे ना 1980 मसिया रे सेकंड नेशनलाइजेशन हला बैंक रो आउ 6टा बैंक ऐड हला प्रथमे 14टा थिला तापर 6टा ऐड हिच 1980 मसिया रे तापर 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर डेस कोऑपरेटिव बैंक गुड़ को कहाँ माध्यम रे रजिस्टर होई थांती आरबीआई एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ना एनी ऑफ द एबव तो 18 नंबर राइट ऑप्शन टा कोन हे जीवो ना जेहेतु कोऑपरेटिव बैंक अछंती तो से माने कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो अछि तारी अंडर रे से माने रजिस्टर होई थांती तो राइट ऑप्शन हे जीवो 18 नंबर रो सी तापर 19 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक केम इनटू एक्जिस्टेंस ऑन डेस केबे फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक आसीला 1972 1964 1975 1977 तर राइट ऑप्शन कौन हबो 19 नंबर रे तो 19 नंबर रो राइट ऑप्शन हे जीवो 1975 तो सी हे जो राइट ऑप्शन जे फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक केबे आसीला 1975 मसेरे आसीला रीजनल रूरल बैंक तापर 20 नंबर क्वेश्चन हो द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इंडिया रे जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक किए आरबीआई एसबीआई कनाडा बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक तो कोटा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हबो को ये बहुत जन मानने मन डाउट आसो जे आरबीआई कि एसबीआई हम बहुत जन कह आरबीआई जेहेतु सब मानने कौन एपिक्स बैंक अच्छी तो आरबीआई हम कि आरबीआई होची सबु बैंक रो कौन एपिक्स बैंक में सबु बैंकर्स बैंक ताकु कहा जाए तो आरबीआई माने आरबीआई सबु को कंट्रोल कर सीए मुख्य किंतु पब्लिक सेक्टर बैंक्स भितर आरबीआई आसीबो नाही आरबीआई रो जो ब्रांच माने आरबीआई रो एजेंट जी सी आसीबो तो आरबीआई रो एजेंट किए ना एसबीआई तो एसबीआई टा होची हमर लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स भितर एठी एसबीआई आउछ पंजाब नेशनल बैंक अच्छी किंतु एठी लिस्ट रे नहीं तो से हमरो एसबीआई माने के चलिबे जे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक भितर गोटे आसुछ तो 20 तापर 21 क्वेश्चन को जीबा आरआरबी एक्ट वाज एनएक्टेड इन द ईयर आरआरबी होची कोन रीजनल रूरल बैंक तो रीजनल रूरल बैंक एक्ट केबे आसीतला 1974 79 75 76 तो राइट ऑप्शन कौन हबो 21 नंबर क्वेश्चन रे इटे ताले राइट ऑप्शन हे जीवो 1975 रे रीजनल रूरल बैंक रो एक्ट आसीला 1975 तापर 22 क्वेश्चन डेस इज द एपिक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल क्रेडिट तो रूरल डेवलपमेंट पई आउ रूरल क्रेडिट पई कोटा को बैंकटा होची सबटु एपिक्स बैंक आरबीआई आईडीबीआई नाबार्ड आईआरबीआई तो आरबीआई तो सब बैंक रो एपिक्स बैंक आउ नाबार्ड तो जो नेशनल बैंक रे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो एटा रूरल माने एग्रीकल्चर आउ रूरल डेवलपमेंट पई आउ रहला आईडीबीआई आउ आईआरबीआई तो राइट ऑप्शन कौन हबो से दिटर तो हबनी 22 रो तले राइट ऑप्शन हे जीवो आईआरबीआई माने रखबो आईआरबीआई तो आईआरबीआई रो फुल फॉर्म कौन ना इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया आई रोज इंडस्ट्रियल आर हूँ रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ के ना 1984 इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया से कौन कह जाए ना एपिक्स बैंक कह जाए इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल क्रेडिट रूरल डेवलपमेंट पई आ रूरल रो क्रेडिट माने ग्रामांचल लोक मानकर जो लोन तंको प्रोवाइड करिया पई इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया 1984 रु एस्टेब्लिश हे तो सी हेल्प करू छ ताको एपिक्स बैंक बोली कह जाए तापर आरबीआई वाज एस्टाब्लीश्ड इन द ईयर तो आरबीआई केबे एस्टाब्लीश हला बोली पचारि छ 1949 35 64 47 तो 23 रो राइट ऑप्शन कोन हबो आरबीआई केबे हे छि हम जानि छ 1935 रे एस्टाब्लीश हला आरबीआई तो 1935 राइट ऑप्शन हे जीवो तापर
24 क्वेश्चन, मीडियम टर्म लोन्स आर मीट फॉर ए पीरियड ऑफ, मीडियम टर्म लोन टा रो वैलिडिटी माने तार टाइम पीरियड टा केते, 3 to 5, 5 to 10, ओवर 10 इयर्स ना 1 to 3 इयर्स। तो मीडियम टर्म अच्छी कौन हम राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन है जी बड़ा 3 to 5 इयर्स, 3 to 5 इयर्स हो जी मीडियम टर्म लोन रो टाइम पीरियड, 3 to 5 वर्ष पर्यंत रहइबो मीडियम टर्म। तापरे हाँ आज आम 25 क्वेश्चन डिस्कस करवा, तापरे सेकंड पार्ट रे आ 25 एमती डिस्कस करवा। तो क्वेश्चन होची पोजीशन ऑफ ए सिक्योरिटी प्रैक्टिकली विथ द बैंकर इज इन द केस ऑफ डेथ, मॉर्गेज प्लीज ना हाइपोथेनिकेशन ना हायर परचेस। तो ठीक राइट ऑप्शन कौन हम, तो आम जाचे से कौन कौन पोजिशन ऑफ ए सिक्योरिटी प्रैक्टिकली विथ द बैंकर इन केस ऑफ, तो आम जो कौन सी सिक्योरिटी को बैंक रे बंधा पकईकी ता बदल किसी टंका लोन ले आनिबू, तो सेटा को कौन कह आम पाखे जो सिक्योरिटीज थी आम बंधा पकईकी लोन रे आनिबू, ताले आमरो मॉर्गेज माने भी एठी जो दीटा वर्ड अच्छे गोटे मॉर्गेज अच्छे आ गोटे प्लीज अच्छे, तो ये दीटा जाक कौन तार मीनिंग हूँ बंधक रखा माने बैंक रे आम बंधा पकईकी ता बदल रे आम टंका आनिबा, किंतु मॉर्गेज को जगह यूज हबो आ प्लीज को जगह यूज हबो सेटा आम देखा। तो जो मॉर्गेज बा मॉर्गेज वर्डटा सेटा केतेबेले यूज हुए ना यूज फॉर फिक्स्ड एसेट, मन रखियो मॉर्गेजटा केतेबेले यूज हबो ना जो जगह फिक्स्ड एसेट्स थिबो, फिक्स्ड एसेट्स जो जगह थिबो से जगह मॉर्गेज यूज हो। फिक्स्ड एसेट्स कौन आमर जमीन धर लैंड रहीगला लैंडटा किंबा बिल्डिंग आमर रहीगला लैंड बिल्डिंग अपार्टमेंट, तो ये सब हूँ आमर फिक्स एसेट। आम पाखे गोटे लैंड अच्छी तो लैंड को आम बैंक रे माने जमी पट्टा को बंधक पक बैंक रु लोन आनिबा, किंबा आमर घर बाड़ी बंधा पकईकि आम आनी किंबा आम अपार्टमेंट को बंधा पकईकि आम टंका आनी पारिबा बैंक रु। तो जो गुड़िक फिक्स एसेट आम पाखे अच्छी तो फिक्स एसेट को बंधा पकेले सेतबेले सेटा को कौन कह मॉर्गेज बोली कह जितेबेले आम पाखे कौन थी ना जितेबेले आम पाखे फिक्स एसेट्स नथिबो जोटा को मूवेबल एसेट कह जाए, प्लीजटा केतबेले यूज हम ये जो प्लीज वर्डटा अच्छी यहाँ केत यूज हम ना जितेबाला मूवेबल एसेट्स माने इज यूज फॉर मूवेबल एसेट्स। तो सिक्योरिटीटा गोटे प्रकार कौन मूवेबल एसेट्स, तो मूवेबल एसेट्स तो जो एसेट्स गुड़ी को आम मूव कर पार्थ्वा जमीक आमर सेयार हो गला आम जो सेयार कि आमर सिक्योरिटीज कि किंबा आमर बंडस किनिथिबा किंबा आम कही पार आम फिक्स डिपोजिट भी धर एफडी फिक्स डिपोजिट जदि आम कि करे तो से फिक्स डिपोजिट को भी बंधा पकईकि आम बैंक रु लोन नहीं पार माने फिक्स डिपोजिट ये वर्ष अच्छी यहीटा रही तो सीटा भी आमर गोटे माने कौन ना मूवेबल एसेट आम कहीपर माने आम मूव कर पारा माने चेंज कर पारा आम बिक्री करें किंतु आम फिक्स एसेट को आम मूव कर पारा ना जमीक आमर लैंड किंबा आमर बिल्डिंग किंबा अपार्टमेंट ताकू आम मूव कर पारा ना तेणुक कहुए फिक्स एसेट आ फिक्स एसेट्स जगह मॉर्गेज वर्ड यूज हम आ जो मूवेबल एसेट्स थी से जगह आम कौन यूज करवा ना प्लीज वर्ड यूज करवा तो प्लीज माने भी जोटा मूवेबल एसेट्स को आम बंधा पकड़ा प्लीज बोली कह जाए। तो ये राइट ऑप्शन देखे कौन हो राइट ऑप्शन टा ये होमर बी हो राइट ऑप्शन तो 25 रो बी है राइट ऑप्शन। तो ये आम डिस्कस करदे आज आम 25 क्वेश्चन तो नेक्स्ट पार्ट रे आम आउट से 25 मनी बैंकिंग आउ इंटरनेशनल ट्रेड रु क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो ठीक अच्छे जो जो मैंने चैनल को नुआ अच्छे जो सब्सक्राइब कर दियो आउ जदि वीडियो भल लगुच्छे ताले कमेंट करो। तो नेक्स्ट वीडियो रे आम देखा से पर्यटन थैंक यू जय जगन्नाथ।